जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो पर। दोस्तों अगर आप भी छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो यह वीडियो को पूरा देखिएगा। राजा शंकर शाह छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत बड़ी यहां पर अपडेट निकल कर आ रही है। बीए बीएससी बीकॉम बीबीए थर्ड ईयर का यहां पर फाइनल सप्लीमेंट्री एग्जाम की डेट यहाँ पर आ गई है। काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, साथ पे बात करें तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मैसेज भी आ रहा था कि सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम कब होगा। तो फाइनली यहाँ पर सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम डेट यहाँ पर आ गई है। 13 मार्च से होगी परीक्षाएं। और पहले मैंने वीडियो डाला था, लेकिन पहले क्या होता था, ठीक है, पहले यहाँ पर थर्ड ईयर वालों, मतलब अभी जो थर्ड ईयर कर रहे हैं उन्हीं के साथ यहाँ पर आपका एग्ज़ाम वगैरह हुआ करता था, ठीक है, मतलब साथ पे हुआ करता था। लेकिन अब यहाँ पर रोल चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर जो है बीए बीएससी जिसको भी सप्लीमेंट्री आई उसके एग्ज़ाम यहाँ पर पहले ले रहा है, ठीक है। पूरी जानकारी इस वीडियो पर देने वाले हैं। जो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा था उसे तो पहले से कल से ही पता चल गया, क्योंकि टेलीग्राम पर मैंने अपडेट दे दिया था पहले ही, ठीक है। और मैं आपको बताया था कि यहाँ पर जो है मैं 2 दिन बिजी भी रहने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं बिजी हूँ, पर भी यहाँ पर जो टेलीग्राम से जुड़े हैं उनको तो यहाँ पर पता हो गया है, लेकिन जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता नहीं हुआ है। काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं हुआ है जो यूट्यूब पर खोज रहे हैं, तो फाइनली उनके लिए भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और जैसे कि मैं 2 दिन आपको जो है छुट्टी समझ लो, छुट्टी समझ सकते हो, ठीक है। मैं घर आ चुका हूँ, चूँकि मैं, मेरा नाम भी जान लीजिए, मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं सिवनी से हूँ, ठीक है। तो फाइनली मैं 2 दिन के लिए घर आ गया था, इसलिए मैं आपका रिप्लाई वगैरह नहीं कर पाया। तो इस ये जो टेलीग्राम ग्रुप है मोबाइल स्टडी पॉइंट, इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पर, ठीक है। यहाँ सबसे पहले मैं अपडेट दे देता हूँ, ठीक है, अगर वीडियो नहीं बना पाता तो। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। 90% लोग यहाँ पर सब्सक्राइब ही नहीं करते, अब पता नहीं क्यों नहीं करते। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक और जानकारी बता दूं, यहाँ पर जिस भी छात्र ने, यहाँ पर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय का जो भी छात्र है, ठीक है, 25 तारीख को यहाँ पर अपडेट, मतलब कल ही पता चल गया था, लेकिन मैं वीडियो बना नहीं पाया था, बिजी था इसलिए। तो यहाँ पर बता दें, यहाँ पर पूरक परीक्षा आवेदन पत्र निर्धारित 300 विलंबन शुल्क के साथ भरने की अंतिम तिथि यहाँ पर आप देख रहे हैं 6/3/2023। फार्म पहले से भर रहे थे, लेकिन यहाँ पर विलंबन शुल्क के साथ और आपके फार्म भर सकते हैं, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा शुल्क लगेगी, ठीक है। बाकी 1010 तो आपको आपकी फ़ीस ही है, ठीक है, कुल परीक्षा फीस, उसके साथ आपको जो है विलंबन शुल्क 300 रुपये आपको देना पड़ेगा, ठीक है, बीएससी थर्ड ईयर वाले नियमित स्वाध्यायी छात्रों को, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से निकाला जो छात्र नहीं भर पाए थे, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा था, कुछ लोगों को पता ही नहीं चला था कि सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम फार्म भी भर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भर रहे हैं भाई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग परीक्षा देने से चूक जाते हैं और उन्हें पता तक ही नहीं होता, परीक्षाएं हो जाती है उसके बाद कमेंट आते हैं कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे नहीं पाए, हमें पता नहीं हुआ। तो ऐसी कंडीशन इस बार बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ठीक है, इसलिए सभी ग्रुप, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हैं और साथ के हैं तो उन्हें देखना, आप बता देना, ठीक है। तो यहाँ चलिए टाइम टेबल की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। जैसे कि राजशंकर साहब विश्वविद्यालय की तरफ से 25/2/2023 को यहाँ पर अपडेट प्राप्त हुआ था, बीएससी बीकॉम बीएचएससी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम थर्ड ईयर, ठीक है। टाइम टेबल आप देख रहे हैं, 8 से 11 AM आपके जो है एग्ज़ाम यहाँ पर टाइम है, ठीक है, मार्च 2023 से यहाँ पर 13 मार्च 2023 से यहाँ पर आपके पेपर होने वाले हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे केमिस्ट्री की बात करें, ठीक है, मैं एग्जाम्पल यहाँ पर केमिस्ट्री लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, केमिस्ट्री, बॉटनी, या आप बात करें आर्ट के सब्जेक्ट की या बी कॉम के सब्जेक्ट की, किसी के भी सब्जेक्ट की बात करें, केमिस्ट्री में 3 पेपर होते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया है। तो यहाँ बता दूँ, जिसको फर्स्ट में, मतलब केमिस्ट, मैं एग्जांपल के लिए यहाँ केमिस्ट्री लिया है, ठीक है, मान लो आपको केमिस्ट्री में यहाँ पर सप्लीमेंट्री आई है, अगर फर्स्ट में आई है आपको सप्लीमेंट्री, तो आपको जो है 13 तारीख को आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, 13 मार्च 2023 को, ठीक है, बीएससी और आपके जो भी सब्जेक्ट हैं यहाँ पर बी कॉम बीएससी बीएचएससी, आपको किसी के भी जो है फर्स्ट पेपर में अगर सप्लीमेंट्री आई है तो आपको जो है 13 मार्च 2023 को यहाँ पर पेपर देना पड़ेगा। जैसे टाइटल ऑफ द पेपर, सभी विषय समूह का प्रथम प्रश्न पत्र, मतलब जो है बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, हिंदी, या किसी का भी जो है फर्स्ट जो पेपर होते हैं ना, 1, 2, 3 पेपर आपको तो पता ही होगा, ठीक है, एक बार पेपर दिए तो फर्स्ट पेपर रहेगा आपको जिसमें सप्लीमेंट्री आई है उसके हिसाब से। 14 तारीख की बात करें तो 14/3/2023 को यहाँ पर बीएससी बीकॉम बीएससी बीएचएससी, ठीक है, सेकंड पेपर होगा जो भी सब्जेक्ट में आई है, सभी विषय समूह का द्वितीय प्रश्न पत्र, ठीक है। तीसरे नंबर पर बात करें तो 15/3/2023 को यहाँ पर पेपर होगा बीएससी बीकॉम बीएचएससी थर्ड, जिसके भी थर्ड भाग होते हैं, तो तीसरे नंबर का यहाँ पर पेपर होगा, तृतीय प्रश्न पत्र भी बोल सकते हैं, जैसे केमिस्ट्री के फर्स्ट
प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, तृतीय प्रश्न पत्र, उसी प्रकार जो है दूसरे सब्जेक्ट के भी होते हैं, बॉटनी फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, इस टाइप के आपके जो भी हो सकते हैं, ठीक है, बीकॉम में, बीएचएससी में, ठीक है। तो ये थे मतलब बीएससी वालों के, ठीक है, टाइम टेबल जैसे कि आप देख रहे हैं 25/2/2023 को यहाँ पर आया है। अब आगे और यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड, काफ़ी सारे लोगों को कमेंट आ रहा आएगा कि एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड के बारे में आपको अगली वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, बता देंगे कैसा क्या है एडमिट कार्ड का। अब बीबीए सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम थर्ड ईयर जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम आई है बीएससी, उनकी बात करेंगे टाइम टेबल की, तो उनके भी 13 से चालू होंगे, ठीक है। उसमें भी अब बीबीए इनमें भी फर्स्ट सेकंड पेपर होते होंगे, ठीक है। उन्हीं के यहाँ पर पेपर दिए हुए हैं, जैसे कि आप केमिस्ट्री के उदाहरण लेके यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, 13, 14, 15 तारीख को ही होंगे फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, ठीक है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी भैया, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, मोबाइल स्टडी पॉइंट, आप चैनल का जो नाम है वही नाम सर्च करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, सभी जानकारी राजशंकर साहब विश्वविद्यालय की हम अपलोड करते हैं, ठीक है। चूँकि कल बिजी होने के कारण मैं आज वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको जब भी जानकारी मिली, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर क्या है, बाद में कमेंट आते रहते हैं कि भाई हमने एग्ज़ाम नहीं दे पाए, ऐसा कुछ नौबत इस बार नहीं आनी चाहिए। सभी को शेयर कर देना है, बता देना है, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, ठीक है, फ्रेंड हैं, जिसको भी सप्लीमेंट्री आई है, या रिश्तेदारगण हैं और राजशंकर साहब विश्वविद्यालय से जो है स्टडी कर रहे हैं, उन्हें सभी को बता देना है, ठीक है। काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए यह वीडियो होगी और उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए सभी को बता देना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कई बार यहाँ पर कमेंट आते रहते हैं और कई सूचनाएं मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो कमेंट आते हैं कि हमें पता ही नहीं चला कि कब क्या हो गया, मतलब सप्लीमेंट्री के फॉर्म कब भर गए, क्या हो गए, ठीक है। तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप भी आपको ज्वाइन कर लेना है और सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मिलेंगे अगली वीडियो पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। तो ये थी, और यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर सप्लीमेंट्री के फार्म नहीं भर पाए थे, उन्हें शेयर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ सप्लीमेंट्री की कुछ डेट आई है, 6/3/2023 तक यहाँ पर सप्लीमेंट्री के फार्म भी यहाँ पर भर सकते हैं। सूचनाएं वगैरह दी है तो आप पढ़ लेना, बाकी पीडीएफ तो आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी मिल जाएगी, ठीक है। राजशंकर साहब विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा परीक्षा नियंत्रक के यहाँ पर हस्ताक्षर वगैरह भी आप देख सकते हैं, और ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, मोबाइल स्टडी पॉइंट, ज्वाइन कर लीजिएगा। 731 मेंबर हैं जो कि छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के, सभी मिल जाएंगे आपके साथ वाले, ठीक है। सप्लीमेंट्री वाले ज़्यादा ही मिलेंगे आपको ग्रुप में जुड़े हुए, ठीक है। तो आपको अभी से पढ़ाई बिल्कुल स्टार्ट कर देनी है, ठीक है, इस बार कुछ नहीं होना चाहिए, और इस बार नौबत ना आए कि सप्लीमेंट्री के बाद फैल हो जाए, ठीक है। फैल हो जाएंगे तो आपका जो है पूरा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। IMP प्रश्न मैं BSC का अपलोड करूँगा, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। IMP क्वेश्चन जल्दी आएंगे 1 तारीख से, और चूँकि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, काफ़ी सारे लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है IMP क्वेश्चन के लिए, तो जल्दी आपको IMP क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस चैनल पर, क्योंकि यहाँ सामग्री तैयार की जा रही है अभी लगभग, तो देख लेना, सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर, वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।